दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच के अंतर के बारे में। ये दोनों बैंक अकाउंट बहुत ही कॉमन बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा अकाउंट चूज करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है। तो सेविंग्स अकाउंट एक आम बैंक अकाउंट है जो आम लोगों के लिए होता है। इसमें आप अपने पैसों को सेव करते हैं और बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। कई ऐसे भी बैंक हैं जिनके सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको ट्रांजेक्शन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो सेविंग अकाउंट में आपके सेविंग्स अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी मिलती है जिससे कि आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में आपको चेकबुक की भी फैसिलिटी मिलती है। इसी के साथ आप सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब जानते हैं करेंट अकाउंट के बारे में। तो करेंट अकाउंट मेनली बिजनेस और प्रोप्राइटर्स के लिए होता है। इसमें आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए पैसे रखते हैं। इस अकाउंट में भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन ट्रांजेक्शन की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो करेंट अकाउंट में आपके अकाउंट बैलेंस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन करेंट अकाउंट में आपको चेकबुक की फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, यानी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो भी आप एक लिमिट तक अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस आई बटन वाले वीडियो को देखिए। इसी के साथ करेंट अकाउंट में आपको ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है जिससे कि आप अपने करेंट अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस की बात करें तो सेविंग अकाउंट पर्सनल सेविंग्स के लिए होता है और करेंट अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए होता है। सेविंग्स अकाउंट में अकाउंट बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलता है, वही करेंट अकाउंट में अकाउंट बैलेंस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई ऐसे बैंक हैं जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करेंट अकाउंट में भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन करेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन की कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट के बीच में मेन डिफरेंस। आपको अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सही अकाउंट चूज करना चाहिए। अगर आप पर्सनल सेविंग्स के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। वही अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट बेस्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम की लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।